दोस्तों मई 14 को वन प्लस ने अपने नए डिवाइसेस को रिवील किया, जिसका वन प्लस ने करीबन लास्ट 3 वीक से हाइप बनाए रखा था। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। वन प्लस 7 प्रो एक बहुत एंटिसिपेटेड डिवाइस बन चुका था हाइप की वजह से, जिसे वन प्लस ने लास्ट 3 वीक से बनाए रखा था। उसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी जो वो लेके आते हैं, ये पहला प्रो डिवाइस है वन प्लस की तरफ। ये प्रो डिवाइस आता है एक कर्व्ड H2H 6.67 इंच क्वाड HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो की HDR10 प्लस सपोर्ट करता है। और रिजोल्यूशन आता है 3120 से लेके 1440 पिक्सल्स तक, जो की करीबन 516 PPI है। इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप करीबन 90 हर्ज तक ले सकते हैं, जो कि अभी तक की हाईएस्ट है, जिसकी वजह से वन प्लस को A+ रेटिंग मिला है डिस्प्ले मेट्स। अब चलते हैं स्पेक्स के ऊपर। ये कैरी करता है एक 7 नैनोमीटर ऑक्टा कोर क्रायो सीपीयू प्रोसेसर, 2.84 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 SoC। ये आता है 3 वेरिएंट में, 6 GB रैम, 8 GB रैम और 12 GB रैम ऑप्शन के साथ। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज अगर हम देखें, यह आता है 2 वेरिएंट्स में, 128 GB स्टोरेज और 256 GB स्टोरेज विद UFC 3.0 के साथ। इसके साथ वन प्लस बन गया है पहला फोन जिसकी कमर्शियली ऐसी स्टोरेज स्टैंडर्ड के साथ लॉन्च किया गया हो। एक 4000 mAh बैटरी विद सपोर्ट ऑफ 30W रैप चार्जिंग। वन प्लस के द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन से यह पता चला है कि चार्जिंग स्पीड को 38% इंक्रीज किया गया है। अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पर। वन प्लस 7 प्रो आता है एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। इसमें एक प्राइमरी 48 MP सोनी IMX586 सेंसर विद F1.6 अपर्चर है, विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज रेगुलेशन का सपोर्ट भी है। बाकी दो कैमरा में एक है 16 MP 117° अल्ट्रा वाइड एंगल ऑफ F2.2 अपर्चर और एक है 8 MP 3x टेलीफोटो सेंसर विद F2.4 अपर्चर के साथ। वन प्लस 7 प्रो आता है एक फुल स्क्रीन सपोर्ट के साथ। ये वन प्लस का पहला डिवाइस है जो कि एक पॉपअप कैमरा स्क्रीन के साथ आता है। ये मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा एक 16 MP सोनी IMX471 सेंसर के साथ आता है। वन प्लस ने क्लेम किया है कि ये पॉपअप कैमरा करीबन 16 ईयर्स और 50 टाइम्स ए डे का ड्यूरेबिलिटी रखता है। और तो और ये पॉपअप कैमरा अपने आप अंदर स्लाइड कर जाता है जब डिवाइस को एक्सीडेंटल ड्रॉप डिटेक्ट करता है। अब चलते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस के ऊपर। ये आता है आपका 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ, ब्लूटूथ 5.0, GPS, USB टाइप सी का सपोर्ट भी है इसमें। प्लस 7 प्रो को लॉन्च किया गया है 48,999, जो कि है 6 GB 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए, 52,999 जो कि है 8 GB और 256 GB वेरिएंट के लिए, 57,999 जो कि है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए। ये आएगा 3 कलर्स में, एक है नेबुला ब्लू, मिरर ग्रे और आलमंड। मेरे हिसाब से ये डिवाइस 2019 का सबसे बेस्ट बजट फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे टॉप फीचर्स के साथ और सारे डिपार्टमेंट में भी प्लस ने बहुत अच्छा काम किया है और एक बहुत ही अच्छा और बजट फ्रेंडली फ्लैगशिप डिवाइस को लेके आया है। और 2019 में फ्लैगशिप मोबाइल की रेस में ये सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस को एक बहुत ही बड़े वाला टक्कर देने वाला है। ये तो थे दोस्तों मेरे विचार। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपका क्या ख्याल है इस डिवाइस के बारे में और आपको वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अनिकेत और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।